स्वागत है दोस्तों आप लोगों का हमारे इस वेटर क्लासेस के चैनल में। तो आज हम सीखेंगे ज्योमेट्री के बारे में। दोस्तों आपको पॉइंट, लाइन सेगमेंट, लाइन इन सब के बारे में तो पता ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये सब बताना अभी ज़रूरी है नहीं, बताने में टाइम भी बहुत जाता है और बेकार की है, इतना तो पता ही होगा आप लोगों को। अब हम सीखेंगे डायरेक्टली एंगल्स के बारे में, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है राइट एंगल किसको बोलते हैं, राइट एंगल अगर आप देखोगे तो राइट एंगल हो गया आपका 90 डिग्री, ठीक है, आपके पास राइट एंगल हो गया। फिर एक्यूट एंगल होगा जो 90 डिग्री से कम होगा, ठीक है। फिर ऑब्ट्यूस एंगल होगा आपका, ऑब्ट्यूस एंगल होता है आपका ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है। फिर अब हम लोग चेक करें, जैसे कि अब ये हो गया तो राइट एंगल हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक होता है कंप्लीट एंगल, ठीक है। कंप्लीट एंगल का जो वैल्यू होता है वो होता है 360 डिग्री, ठीक है। फिर एक होता है रिफ्लेक्स एंगल, तो उसको भी हम लोग बोलते हैं, उसका जो वैल्यू होता है वो होता है 180 से ऊपर और 360 से नीचे, ठीक है। और फिर होता है स्ट्रेट एंगल, तो स्ट्रेट एंगल होता है आपका कि जिसका वैल्यू होता है 180 डिग्री, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि एंगल एट अ पॉइंट इज ऑलवेज 360 डिग्री। अब मान लीजिए एक ये पॉइंट है, इसमें 1000 लाइन है, ये एंगल का जो पूरा वैल्यू होगा कंप्लीट वो हमेशा होगा 90 डिग्री, ठीक है। और एक और बात, ऐसे जो लाइंस हैं, ठीक है, ये लाइंस सारे लाइंस एक पॉइंट से गुजर रहे हैं, अगर 3 से ज़्यादा ऐसे लाइन गुजर रहे एक पॉइंट से तो इनको बोलते हैं कंकरेंट लाइंस, ठीक है। ये आपका बेसिक्स है, या हो सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में एक पूछ दिया जाए आपसे, ठीक है। तो अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और चेक करेंगे क्या क्या और दूसरे एंगल्स हैं, ठीक है। अब सबसे पहला एंगल हम चेक करेंगे जो वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री। तो जब कोई दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री होता है तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसका 90 डिग्री हो गया, तो इसका सम कितना होगा, इन दोनों का सम, जैसे कि मान लीजिए एंगल 1 है एंगल 2 है, तो अगर हम करेंगे तो एंगल 1 प्लस 2 प्लस 90 डिग्री का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो 1 प्लस 2 एंगल कितना होगा, वो 90 जाके इधर माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा 90, तो इन दोनों का सम कितना है 90 डिग्री, तो इसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। अब इसी तरह आता है सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री होता है जब कोई दो एंगल का सम होता है 180 डिग्री, तो ये ट्रायंगल में पॉसिबल नहीं, क्योंकि ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। इसके लिए एक स्ट्रेट लाइन चाहिए आपको, ऐसा एक एंगल बनेगा, ये होगा एंगल वो, ये एंगल होगा 2, तो इन दोनों का सम होता है 180 डिग्री, तो उसको बोलते हैं कॉम्प्ली सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। अब इसके बाद जो आएगा आपको मैं फिगर से समझाऊंगा कि कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे पैरेलल लाइंस किसको बोलते हैं। तो अगर आप पैरेलल लाइंस किसको बोलते हैं, अगर आप चेक करोगे देखोगे तो पैरेलल लाइंस कोई भी दो लाइन जो जाके इन्फिनिटी में मीट करती है, कभी नहीं मीट करती हो, इसको बोलते हैं पैरेलल लाइन। अब हाथ से इतने ड्रॉ हो सकता है तो आप समझ लीजिए इसको क्या बोलते, तभी काफ़ी अच्छा ड्रॉ हुआ है, अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब एक लाइन इसको दोनों एंगल को काट देती है ऐसे करके, ठीक है। तो अब हम इसमें, अब इससे हम सीखेंगे कि कौन सा लाइन, मतलब कौन सी लाइन जो है ये क्या कर सकते हैं कि किसको क्या क्या, कौन से लाइन सप्लीमेंट्री है। बहुत सारे एंगल्स है, सारे एंगल्स को हम लोग बात करेंगे, तो हम इसका नंबरिंग कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे एडजेसेंट एंगल को, ठीक है। तो एडजेसेंट एंगल मतलब हो गया जो भी एंगल एक दूसरे के बगल में उसको बोलेंगे एडजेसेंट एंगल, हमेशा पेयर में इसको देखते हैं हम लोग। जैसे 1, 2 एक दूसरे के पास है तो हो गया एडजेसेंट, तो आप लिख सकते हैं 1, 2, 2 और 3 एक दूसरे के एडजेसेंट, 3, 4 एक दूसरे के एडजेसेंट, है ना। फिर 1, 4, ठीक है।
एडजेसेंट हो गया। अब इसमें एक प्रॉपर्टी मैं आपको और समझा देता हूँ। यहाँ पे ऐसे हमने पढ़ा था सप्लीमेंट्री एंगल, तो हमेशा अगर दो पैरेलल लाइन हैं तो दो पैरेलल लाइन के जो ये एंगल बनते हैं इंटीरियर एंगल बनते हैं, ठीक है, उसको उन दोनों का सम हमेशा होता है 180 डिग्री। 3 + 6 इज 180 डिग्री इक्वल्स टू 4 + 5, ठीक है, 180 डिग्री ऐसे करके होगा। तो अब इसी की तरह हम लोग, हमने एडजेसेंट एंगल देख लिया, अब हम देखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। तो इसका मतलब वही हो गया जो एक दूसरे के कंप्लीट हो, जैसे 2 और 4, 1 और 3, 5, 7, 6, 8। तो आप लिख सकते हैं 1, 3, 2, 4, 6, 8, 5, 7, ठीक है। और अब इसका एक और चीज़ याद रखिएगा, ये सब आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। इसे वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, एडजेसेंट एंगल इक्वल नहीं होते, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम दूसरा सीखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो होगा, जैसे कि अब ये दो पैरेलल लाइन है, ये इसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये है आपका 2, है ना, तो ये आपका 2 है, एंगल 2 है, और ये है आपका एंगल 6। तो ये दोनों पैरेलल लाइन के ऊपर है और एक ही साइड में है ट्रांसवर्सल के, तो इसको बोलेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा हो गया, 2 और 6। इसी तरह कौन सा होगा, 1, 5, ठीक है, फिर होगा 3, 7 और 4, 8, ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे और आगे होता है वर्टिकली एडजेसेंट हो गया वर्टिकली के क्रॉस। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे अल्टरनेट अपोजिट एंगल, ठीक है, इसको बोला जाता है अल्टरनेट अपोजिट एंगल। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग अगर आप चेक करोगे तो अब हमेशा देखिए जेड कहाँ फॉर्म हो रहा है। जैसे अगर आप इसमें जेड फॉर्म करिएगा तो ऐसे जेड फॉर्म हो जाएगा आपका, ठीक है, ये हो गया आपका जेड फॉर्मेशन। तो इस जेड फॉर्मेशन में आपके पास कौन सा एंगल आ रहा है, 4, और यहाँ आ रहा है आपका 6। तो ये दोनों हो गया आपका अल्टरनेट अपोजिट एंगल। तो ये हो गया आपका अल्टरनेट अपोजिट 4 और 6, ठीक है, ये दोनों भी आपस में हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है। आप इसको प्रूफ करके देख सकते हैं कैसे हो सकता है कैसे नहीं, तो अब प्रूफ के लिए टाइम लगेगा। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको प्रूफ भी दिखा दूँगा, ठीक है। तो यही सब है जिसको आप एंगल के बारे में, जो इतने एंगल्स आपको काम आएंगे, यही सब एंगल है जो आगे जाके आपको बहुत सारे काम आएंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें वीडियो के बारे में और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और दोबारा आते रहें। थैंक यू माय फ्रेंड्स।